दोस्तों, जिंक एक ऐसा पोषक तत्व है जिसकी शरीर को बहुत बड़ी मात्रा में जरूरत होती है। शरीर में जब जिंक की कमी हो जाती है तो इम्यूनिटी कमजोर होने, जल्दी बीमारियों की चपेट में आने और अनावश्यक बैक्टीरिया के शरीर में घुसने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। हाल ही में एक रिसर्च आई है कि जब शरीर में जिंक की मात्रा जरूरत से ज्यादा कम होती है तो व्यक्ति हाइपरटेंशन की चपेट में आ जाता है। हाइपरटेंशन होने के बाद व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ता और घटता रहता है। जिन लोगों को टाइप 2 मधुमेह और क्रोनिक किडनी रोग होता है उनमें जिंक की कमी होना आम बात है। ये भी पता चला है कि मूत्र में कम सोडियम आमतौर पर उच्च रक्तचाप से मेल खाता है। जिंक की कमी को पूरा करने के लिए फलियों का सेवन एक बहुत ही सुरक्षित विचार है, इसलिए अपने आहार में राजमा तथा सोयाबीन को शामिल करें। हालांकि राजमा में प्रोटीन और जिंक दोनों की मौजूदगी होती है, लेकिन इसे एक सीमित मात्रा में ही खाइए क्योंकि इसमें मोटापा बढ़ाने वाले तत्व भी होते हैं। मूंगफली जिंक का सबसे अच्छा स्रोत है, साथ ही इसमें आयरन, विटामिन ई, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉलिक एसिड तथा फाइबर भी होता है। इसमें फ्री रेडिकल से बचाने वाला रिस्वेरेट्रोल नामक एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है। साथ ही मूंगफली में ओमेगा 6 फैट भी प्रचुर मात्रा में मिलता है, जो स्वस्थ कोशिकाओं तथा अच्छी त्वचा के लिए जिम्मेदार है। साथ ही इनमें फैट तथा कोलेस्ट्रॉल कम मात्रा में होता है। लहसुन में भी बहुत जिंक पाया जाता है, साथ ही प्रतिदिन लहसुन की एक कली के सेवन से शरीर को विटामिन ए, बी और सी के साथ आयोडीन, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे कई पोषक तत्व एक साथ मिल जाते हैं। साथ ही लहसुन में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण भी पाए जाते हैं। हालांकि डॉक्टर अंडे की जर्दी खाने के लिए मना करते हैं क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक मात्रा में होता है, लेकिन अगर आपको जिंक चाहिए तो आपको अपने आहार में अंडे के पीले भाग को शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही पीले भाग में कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, थायमिन, विटामिन B6, फॉलेट, विटामिन B12 और पैंथोनिक एसिड भी पाया जाता है। तिल में बहुत अधिक मात्रा में जिंक पाया जाता है, साथ ही इसमें कई प्रकार के प्रोटीन, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स और कार्बोहाइड्रेट आदि तत्व पाए जाते हैं। तिल में फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है। यह मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड का एक स्रोत है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। मशरूम को सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जिसमें जिंक भी अच्छी मात्रा में शामिल है।